लाइनर बिगड़ गया गाली, मेरा पहला मेकअप अधूरा रह गया। फदवी फदवी बोलती हो? नहीं नहीं चाहेगा तो यही। प्लीज डिलीट कर देना, डिलीट इट। नहीं। Hey guys, welcome back to my channel. तो मैंने बहुत दिनों से चैलेंज वीडियो नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं चैलेंज वीडियो करती हूँ। और उसी बीच मैंने खरीदे थे ये क्यूट से मिनी स्पॉन्जेस, जो मुझे देख के बहुत ही ज्यादा प्यार लग रहे थे। आपको निकाल के दिखाती हूँ। आई मीन लुक एट देम, दे आर सो 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 क्यूट एंड सो टाइनी। सो मुझे इन्हें देख के एक चैलेंज याद आया कि क्यों ना मैं फुल फेस ऑफ मेकअप करूँ यूजिंग दीज टाइनी स्पॉन्जेस। तो मजा आएगा मुझे करने में और आपको देखने में भी। और अगर इस टाइप के चैलेंजेस आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्पॉन्ज को वेट करके लाते हैं। सो ये वेट करके थोड़ा सा तो बड़ा हुआ है, बट फिर भी ये नॉर्मल स्पंज के कंपेरिजन में बहुत छोटा है। सो सबसे पहले हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं नॉर्मली प्राइमर अप्लाई करती हूँ अपने हाथों से ही, वैसे भी किसी उससे मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, तो प्राइमर तो मैं नॉर्मली अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी से। देन मैं लूंगी थोड़ा सा कंसीलर और अपने जो ये स्पॉट्स हैं इनको कवर करूंगी। सो लेट्स ब्लेंड दिस। ये तो बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है। छोटे छोटे स्पॉट्स है तो ये तो इजीली ब्लेंड होंगे ही वैसे भी। सो ये ब्लेंड हो गया। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा फाउंडेशन वगैरह से ब्लेंड करना, क्योंकि वो फुल फेस पे ब्लेंड करना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि मुझे आधे घंटे तक वो ब्लेंड ही करते रहना पड़ेगा। नाउ हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो मैं फाउंडेशन ले लेती हूँ और डॉटेड फॉर्म में पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। डन। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे यूजिंग दिस सेम ब्लेंडर। वाह ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है यार, बट हाँ ये है कि थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है। इतनी देर में मेरा आधा फेस ब्लेंड हो जाता जब तक मैं इसी को ब्लेंड करने में लगी हुई हूँ। अभी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। पकड़ने में ही नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे पकड़ू मैं ये। तो पूरे मेरे देखो, पूरे मेरे नेल्स हाथ का गंदे हो रहे हैं, बिल्कुल भी पकड़ने में नहीं आ रही है। सो ब्लेंड 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 ब्लेंड। One eternity later. मुझे बहुत टाइम लगा इसको ब्लेंड करने में और जगह जगह मुझे स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको कैमरे में, भले ही पता नहीं चल रहा होंगे, बट रियल लाइफ में सच में ये बहुत ज्यादा मेहनत थी और मेरा पूरा ब्लेंडर गंदा हो गया। और जितने अच्छे से वो ब्लेंडर प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करता है इसने किया भी नहीं, क्योंकि छोटा है यार, इतना कितना एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तो जैसे तैसे मैंने कर लिया कंप्लीट। और वैसे आप सब लोग बहुत सारे मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो अबाउट वेसलीसा और भी बहुत सारी चीज़ें, क्या मैरिड नॉट, ये वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगी या इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगी फॉर श्योर, और मैं पोस्ट भी कर दूंगी यूट्यूब पे। तो तैयार है ना, एक दो दिन में ही वो होने वाला है, तो मे बी शायद कल परसों में। तो आप लोग तैयार रहना जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सको, वरना आपके क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे। सो ये हो गया मेरा फाउंडेशन ब्लेंड। अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर। अब मैं करूंगी अपना कंसीलर ब्लेंड। कंसीलर तो बहुत अच्छे से हो जाएगा इससे, आंखों के पास ब्लेंड करने में बहुत मजा आ रहा है इससे। दिस इज द फर्स्ट टाइम भी मैंने इतना छोटा स्पॉन्ज यूज किया है, वरना तो मैं नॉर्मल स्पॉन्ज से ही ब्लेंडिंग करती हूँ। वाओ कंसीलर के बिल्कुल आंखों के बिल्कुल कोने कोने में इसने कंसीलर ब्लेंड कर दिया, मुझे ये बहुत अमेजिंग लगा। आई एम सो हैप्पी। मैं इसको पक्का अपना अंडर आई के लिए यूज करने वाली हूँ फॉर श्योर। अंडर आई और स्पॉट करेक्टिंग जब आप करते हो ना उसके लिए तो ये बहुत अमेजिंग है, पर फुल फेस में तो मैं सच बताऊँ मुझे बहुत टाइम लगा था ब्लेंड करने के। ऑफ कैमरे में मुझे बहुत बहुत टाइम लगा है, पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बाकी सब तो ठीक है। इससे आई शैडो कैसे लगाऊंगी मैं ये सोच रही हूँ। आई शैडो लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इससे,
सो अब मैं कर लेती हूँ कंसीलिंग, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ डार्क कंसीलर। कंटूरिंग। ओह सॉरी, मैं इतना ज्यादा बिजी हूँ। हाँ मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ डार्क कंटूर। मेरी जॉलाइन तो गायब हो चुकी है। सब लोग पूछ रहे मेरी डाइटिंग कैसी गई, डाइटिंग कैसी गई। सो मैंने अभी डाइटिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी, बट सून आई स्टार्ट, आई प्रोमिस। वैसे तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है मैं करूँ या ना करूँ या क्या करूँ, पर फिर भी फॉर माई सेल्फ मैं डाइटिंग करूँगी। इसने कंसीलर भी ये कॉन्ट्रोलिंग में बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, बट अब जैसे मुझे यहाँ पे पैची लग रहा है इस जगह पे, बहुत बड़े एरिया में क्या है, छोटा है ना तो वो दाग दे रहा है, मतलब स्पॉट्स। इसे कंसीलर कंट्रोलिंग बहुत अमेजिंगली ब्लेंड किया है, जस्ट लव 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 दिस। आप छोटे छोटे अलग अलग रख सकते हो फॉर अलग अलग कामों के लिए, फॉर अलग अलग कामों के लिए, वाह मतलब अलग अलग कामों के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे, उतना ज़्यादा इनमें एरिया तो है नहीं है तो ये गंदे जल्दी हो जाएंगे, बट चीज़ों को छोटी छोटी जो लाइन्स हैं उनको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही, बहुत अमेजिंग। सी कितना इजीली मेरा नोज कॉन्टोर भी ब्लेंड हो गया। आई लव दिस। अब जैसे यहाँ पे मुझे बड़ा ब्लेंडर याद आ रहा है, क्योंकि इतना छोटू सा है यार, किससे मैं कैसे ब्लेंड करूँ। देखो सब जगह दाग 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 लग रहे हैं, एक्चुअली बोर भी लग रहा है इतनी देर तक ब्लेंड 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 ब्लेंड। सो मुझे ये नोज कॉन्ट्रोल के लिए, चीक कॉन्ट्रोल के लिए अमेजिंग लगा, बट ये इधर जॉ लाइन के कॉन्ट्रोल के लिए मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, क्योंकि इसको कितना ही ब्लेंड करूंगी मैं। सो मैं जल्दी से इसे सेट कर रही हूँ यूजिंग द सेम स्पॉन्ज। कलर तो देखो पूरा बदल गया बेचारा, कितना क्यूट था, अब देखो फाउंडेशन को ब्लेंड करने में, क्योंकि पूरा ऐसे ऐसे टच हो रहा था। अब मैं इसी के हेल्प से ब्राउन और ब्लैक कलर लेके अपनी आईब्रोज फिल करती हूँ। मैंने तो काफी अच्छी आईब्रो फिल कर ली यार, आई कांट बिलीव दिस कि मेकअप स्पॉन्ज से इतनी अच्छी आईब्रोज फिल हो सकती है, वाओ। मतलब अगर मैं ब्रश से फिल करती तो अभी 2-4-5 मिनट तो लगते हैं, ये तो 2 सेकंड में फिल हो गई है ना। माय गॉड लुक एट द डिफरेंस यार, मुझे तो लग ही नहीं था कि ये मेकअप स्पॉन्ज से मैंने फिल करी है। ये वाली भी करके देखती हूँ, लग गई नजर। इसको हम प्रिटेंड करेंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है और पूछ देंगे ये ओके ओके फिल हुई है, बट ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम परफेक्ट सी फिल ब्लेंड फिल हुई है। सो अब मैं कोई सा भी कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि आई शेडो अगर मैं इससे ब्लेंड करूंगी तो वो तो खराब ही होने है। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ पिंक कलर अपनी क्रीज लाइन पे। दिस इज स्केरी, आई डोंट नो कि पूरा मेकअप होने के बाद कैसा लगेगा। वैसे ठीक भी लग रहा है, ब्लेंड होने के बाद तो अच्छा लग रहा है, आई थिंक सो। मेरे अंदर चैलेंज आ गया, मैं मेकअप स्पॉन्ज से भी आई शैडो लगा सकती हूँ, गाइस यस। सो अब मैं सेम चीज यहाँ भी कर लूंगी, ये ज्यादा डार्क हो गया, तो अब हम इसे ऐसे घिस घिस के साफ कर देंगे। इसे कोशिश करते हैं अगर ये लाइट हो जाएगा तो इसको भी लाइट कर देंगे, वरना डार्क कर देंगे। सो ये डार्क है, हल्का सा इसको भी डार्क कर देते हैं बैलेंस आउट करने के लिए। यही हमारे पास ऑप्शन है गाइस, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब मैं अपने इनर में लगाऊंगी शिमर आई शैडो। नाइस, अच्छे से लग रहा है, नो प्रॉब्लम। सो ये शिमर तो लग गया अच्छे से, नाइस। आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। आउटर कॉर्नर में मैं हल्का सा ब्राउन मिक्स कर रही हूँ। क्या मेकअप हुआ है, मतलब ठीक हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड मेकअप कर लिया मैंने, बट ठीक है, मुझे इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था आई शैडो उसको लेके, तो जितना मैंने कर लिया है गाइस, ये तो भी मैं ठीक इंसान जैसे लग रहा है। आईलाइनर नहीं लगाऊं क्यों, लाइनर तो लगाओ।
नहीं मुझे पसंद भी नहीं है वैसे भी लगाना। नहीं चैलेंज है ना फुल मेकअप। मैं लाइनर लेके ही नहीं आई, अब कैसे लगाऊं? हाँ तुम लंदन आई हो ना मेकअप करने। मेरी डॉग पेट पे जो मैं मेकअप करती हूँ तो तुम लेके आओ लाइनर तो हमें लगवाना है। मेरी मेकअप वैनिटी की लेफ्ट ड्रॉर में सबसे ऊपर एक ब्लैक कलर की छोटी सी बॉटल रखी है। सो अब मैं इस लाइनर को इस स्पॉन्ज में ऐसे रख रही हूँ। ये कुछ गड़बड़ हो गया, मैं ऐसे तो नहीं रखना चाहती थी। मेरा लाइनर ही सूख गया, मैंने लगाया ही नहीं है। ऐसे रख रही हूँ। ये मैंने लगा लिया लाइनर। मैं अभी मल्टी टैलेंटेड, इतने मेकअप वीडियोस, इतने कह रही हूँ, इतने चैलेंज वीडियो शूट कर लिए ना मैंने। ज्यादा जल्दी तारीफ कर दी अपने ना। सूख गया मेरा लाइनर तो पूरा। मेरा लाइनर बिगड़ गया गाइस। मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी लाइनर से। यार शिट, मैंने फेस पाउडर लगा दिया। मुझे क्रीम ब्लश लगाना था, जब मुझे पाउडर ब्लश लगाना पड़ेगा जबरदस्ती के लिए। सो मैं नीचे भी हल्का सा ब्लैक तो इसमें है ही, इसमें हल्का सा पिंक और ले लेती हूँ। क्या लग रही हूँ मैं? ओह माय गॉड, सारे मेकअप वीडियो में मेरे साथ ऐसे हो जाता है घटिया। लोगों को पता नहीं क्या पसंद है, लोगों को मेरी हंसी उड़ाना पसंद है। कुछ चीजें तो बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे ये देखो ये ब्लश कितने अच्छे से लगा इससे। पाउडर से वो मुझे ऐसा लगता है ब्रश से उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छे से लग गया। ये हो गया ब्लश। मस्कारा कैसे लगाऊं? मस्कारा तो मुझे डायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा ना वॉन्ड से, मस्कारा थोड़ी ना लगा सकती उससे। सो मस्कारा मैं जल्दी से वॉन्ड से लगा लेती हूँ। क्या ही फर्क पड़ता है, लगा लिया मैंने जैसा भी लग गया। फर्क क्या पड़ रहा था, बड़ा सुंदर मेकअप हुआ है ना। कि मस्कारा नहीं लगता तो अधूरा रह जाता मेरा मेकअप। मेरा पहला मेकअप अधूरा रह गया। फदबी फदबी बोलती हूँ फदबी क्या होता है? वैसे तो ये मेकअप देख के ब्लाइंडिंग है, पर हाइलाइटर तो सच में बहुत अच्छे से लगा इससे। मतलब मैं अगर इतना भर भर के ना लगाती तो पूरे गाल पे तो मैंने हाइलाइटर ही लगा दिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेकअप के साथ ऐसे, जब मेकअप अच्छा नहीं होता ना तो मुझे लगता है कुछ भी पोत लो क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये हो गया मेरा हाइलाइटर। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, कोई सी भी लिपस्टिक लेके मैं इसे पोत लूंगी अपने इस पे और लगाऊंगी लिप्स पे। पहले मैं नाइस कहती हूँ। नॉट बैड एक्चुअली, लिपस्टिक तो ठीक ही लग रही है, बट फिर भी ये इतना गंदा सा मेकअप हुआ है। मुझे ऐसा लगता है मैंने मेकअप तो डन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक सो, अब सेटिंग स्प्रे, इस मेकअप को सेटिंग की जरूरत नहीं है। सो मेकअप तो हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत सड़ुल्ला सा मेकअप हुआ है, ये वीडियो मत डालना। क्या? ये वीडियो मत डालना। पागल हो क्या? नहीं प्लीज, कुछ और शूट कर दूंगी मैं। नहीं नहीं, ये जाएगा तो यही। प्लीज डिलीट कर देना, डिलीट इट। नहीं तो मैं नहीं डालूंगी, मैं नहीं डलवाऊंगी ये वीडियो, मैं एंड भी नहीं करूंगी, मेरे को नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अरे कितना बुरा सा हुआ ये देखो ना। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो नहीं जाएगा, मैं नहीं करूंगी शूट। कट करो। कट, अच्छा कर, बाय बाय कर दो, कट मैं कर देता हूँ। अगर मान लो कभी अपन को इमरजेंसी के लिए चाहिए पड़ेगा तब करते हैं। नहीं तो क्यों इमरजेंसी? नहीं, ये कोई सी भी एजेंसी में नहीं जाएगा। एजेंसी में तो चैलेंज है, ये तो चैलेंज वीडियो है। नहीं यार, कितना बुरा सा लग रहा है, अजीब सी लग रही हूं मैं। कोई बात पूरे नहीं, चलो नहीं करूंगी, बाय 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 कर दे जल्दी। नहीं जल्दी कर लो। नहीं मैं नहीं मानती ये वीडियो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उल्लू बनाया गया। केस करेंगे हम देवू पे।
कर लेना चलो, ये वीडियो नहीं जाएगा, डिलीट कर देना। आई होप यू नहीं, क्या था, कितना बुरा सा मेकअप हुआ है यार। चलो चलो बाय बाय बोलो, जल्दी बोलो, मैं लाइन भूल गया। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नो बाय गाइस, बैठे रहो यहीं पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नो।